Good morning, children. So after studying about the neighborhood places that make our work easy, जहाँ पे हमें जाने पर बहुत easily सारी चीज़ें मिल जाती हैं, we will going to learn about the important people in the neighborhood. Important people in the neighborhood मतलब important people मतलब वो लोग जिनके बिना हम काम नहीं कर सकते. Okay? जिन लोगों के बिना हमारी लाइफ बहुत डिफ़िकल्ट हो जाती है. तो हमारे आसपास किन लोगों का होना बहुत इम्पॉर्टेंट है. वी नीड टू टेक हेल्प फ्रॉम मैनी पीपल अराउंड अस टू लीड अ कम्फर्टेबल लाइफ. हमारे आसपास काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं जिनकी हमें हेल्प लेने की नीड होती है, राइट, जिनकी वजह से हम बहुत कम्फर्टेबली अपना लाइफ स्पेंड करते हैं. मोस्ट ऑफ दीज पीपल लिव इन अ नेबरहुड. ये ज़्यादा से ज़्यादा ये सारे लोग हमें हमारे घर के आसपास ऑलमोस्ट मिल जाते हैं. Let us learn about some of them. See, from the picture what you can see. In this picture, a boy, a man is mending, is repairing the tap. Okay, so who is he? He is a plumber. The plumber repairs leaking taps and broken pipes. जब हमारे घर में कोई ऐसा टैप होता है या पाइप होता है जिसमें से पानी लीक हो जाता है या वो ख़राब हो जाता है, तो कौन ठीक करने आता है उसको? प्लम्बर. नाउ सेकेंड, वॉट यू कैन सी हियर फ्रॉम दिस पिक्चर, वॉट कैन यू मेक आउट? देयर इज अ पर्सन सिटिंग एंड रिपेयरिंग योर शूज. सो द कॉबलर, कॉबलर कौन होता है ये? कॉबलर. द कॉबलर मेंड्स आ शूज़. ठीक है, हमारे शूज़ अगर ख़राब हो जाते हैं या टूट जाते हैं या कुछ उसमें प्रॉब्लम हो जाती है, तो हम किसके पास ठीक कराने के लिए जाते हैं? कॉबलर के पास. नाउ ये तो बहुत ईजी है. वॉट इज़ दिस पर्सन डूइंग? दिस पर्सन इज गिविंग लेटर्स. सो हु इज़ दिस पर्सन? दिस इज़ अ पोस्टमैन. द पोस्टमैन डिलीवर्स लेटर्स. हमने अभी पढ़ा था लेटर लिखते हैं, लेटर बॉक्स में डालते हैं, तो उनको वहाँ से कौन निकालता है? पोस्टमैन. घर में लाकर लेटर कौन देता है? पोस्टमैन. नाउ सी व्हाट इज ही डूइंग? ही इज रिपेयरिंग अ काइंड ऑफ इलेक्ट्रिक थिंग, राइट, मशीन जैसा कुछ. सो द इलेक्ट्रिशियन, इसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिशियन रिपेयर्स लाइट, फैन एंड फॉल्टी इलेक्ट्रिक वायर्स. जैसे कि जो घर में हमारे लाइट की प्रॉब्लम्स जाती हैं कभी कभार, जिसमें जैसे कि अगर कोई ट्यूबलाइट ख़राब हो गया है या कोई वायर ख़राब हो गया है, तो हम किसको बुलाते हैं? इलेक्ट्रिशियन को. सो यू नीड टू लर्न द नेम्स ऑफ द पीपल एंड वॉट वर्क दे डू. ओके, डोंट फॉरगेट टू लर्न दिस. नाउ द स्वीपर कीप्स द स्ट्रीट क्लीन. You, from the picture you can see that the man is cleaning, is sweeping the road. So the sweeper keeps the streets clean. Now see here, what is he doing? He is collecting the garbage. The garbage collector collects garbage from our homes. Okay, हमारे यहाँ पे रोज़ एक तरीके का ऑटो आता है टू कलेक्ट द गार्बेज. तो वो क्या है? वो गार्बेज कलेक्टर है. Now, what is he doing? He is stitching clothes. तो ये कौन है? He is a tailor. The tailor stitches our clothes. Now, see what this man is doing. This man is guarding the house. So, the security guard guards our houses. They help the police in keeping the neighborhood safe. हम लोग easily सो जाते हैं. क्यों? क्योंकि हमें पता है हमारे जो guard uncle है बाहर, security हमारे घर को प्रॉपरली सिक्योर करके बैठे. ओके, सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट पीपल इन आवर नेबरहुड. नाउ कम ऑन टू द लैंडमार्क्स. व्हाट आर लैंडमार्क्स? लैंडमार्क्स आर इम्पॉर्टेंट प्लेसेस और बिल्डिंग्स इन द एरिया दैट मोस्ट पीपल नो अबाउट. ठीक है, लैंडमार्क का मतलब होता है कि ऐसी कोई जगह आपके घर के आसपास जो बहुत फेमस हो और जिसको लोग बहुत अच्छे से जानते हो, राइट. We mention a landmark when we give someone the direction to reach a particular place. So landmark क्या होता है? जैसे कि अगर हमारे घर पे किसी को आना है लेकिन उन्हें एड्रेस नहीं पता, तो हम क्या बताते हैं उनको? कोई हमारे घर के आसपास की कोई ऐसी इंपॉर्टेंट जगह दिखाते हैं या बताते हैं जो उनको पहले से पता होती है. सपोज़ जैसे कि जो लोग सरदारपुरा में रहते हैं,
ठीक है, उनको वो लोग कैसे बताते होंगे कि जो सरदारपुरा में जो फ्रेश एंड ग्रीन है उसके पास में मेरा घर है, राइट। जैसे कि अगर किसी का स्कूल किसी स्कूल के पास में घर है तो वो क्या बताएगा कि दास शांति निकेतन के पास में जो मेरा जो गली है उसमें मेरा घर है। तो इस तरीके से होता है कि लैंडमार्क का मतलब होता है ऐसी जगह या ऐसी कोई बिल्डिंग जिसके बारे में सब लोगों को पता हो, ओके। जैसे कि एक घंटाघर है जो हमारा क्लॉक टावर है, ओके। सो हमें अगर कहीं पे जाना है जो हमारा फ्रेंड सिटी में रहता है तो हम उसको क्या बोलते हैं कि आपने जो घंटाघर देखा है, ठीक है, जो क्लॉक टावर है उस क्लॉक टावर के जस्ट सामने मेरा घर है। तो ये जो इम्पॉर्टेंट प्लेसेस होती हैं उन इम्पॉर्टेंट प्लेसेस को ऑलमोस्ट सब जानते हैं। आज अगर मैम को आपके घर आना है तो मैम को नहीं पता कि आप कहाँ रहते हो, राइट। मैम को नहीं पता कि आप कहाँ रहते हो, लेकिन आप मैम को ये बता दो कि मैम आपको पता है चिल्ड्रंस पार्क कहाँ है सरदारपुरा में, बस उसके जस्ट सामने मेरा घर है ना। तो वहाँ चिल्ड्रंस पार्क जैसे 1580 है, ठीक है, 1580 बेकरी तो सबको पता है, कितनी फेवरेट है हम लोगों की, तो वो तो सबको पता है, वहाँ तक तो मैम आ जाती है, राइट। मैम आने के बाद में वहाँ से आपको फ़ोन कर देगी कि ठीक है मेरे को अब यहाँ पे बताओ, मैं यहाँ पे तो आ चुकी, अब मुझे इसके आगे कहाँ आना है। तो इस तरीके से हम क्या किसी को एड्रेस बताते हैं, तब हम उन्हें घर का लैंडमार्क बताते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल वी से दैट द स्कूल इज़ लोकेटेड नियर अनमोल हॉस्पिटल, तो अब जो स्कूल है वो अनमोल हॉस्पिटल के पास लोकेटेड है। द अनमोल हॉस्पिटल इज़ अ लैंडमार्क, अनमोल हॉस्पिटल क्या हुआ यहाँ पे, लैंडमार्क, ओके। नाउ वी विल कम हियर, टेकिंग केयर ऑफ द नेबरहुड, ऑल ऑफ अस शुड कीप द नेबरहुड क्लीन एंड ग्रीन। ऑब्वियसली हम हमारे घर को जिस तरीके से साफ रखते हैं उसी तरीके से हमें हमारा नेबरहुड भी क्लीन रखना चाहिए। वी शुड थ्रो एम्प्टी फूड पैकेट्स इन द डस्टबिन, जो फूड पैकेट्स होते हैं जैसे अगर हमने कुछ खाया है उसका फूड पैकेट है कुछ भी है वो हमें कहाँ ऐसे ही रोड पे नहीं फेंक देना चाहिए, डस्टबिन में डालना चाहिए। वी शुड नॉट प्लक फ्लावर्स और लीव्स फ्रॉम द ट्रीज, ऑब्वियसली आपका हाउस कैसे डेकोरेटेड रहता है, फ्लावर्स हम उसमें आर्टिफिशियल फ्लावर्स लगाते हैं रियल फ्लावर्स लगाते हैं, उसी तरीके से क्या होता है कि हम लोग जैसे हमारा नेबरहुड है तो उस नेबरहुड में अगर आपका नेबरहुड कैसा अच्छा लगेगा जब आप उसको उसमें फ्लावर्स वगैरह लगाओगे, राइट। तो हमारे यहाँ पे जैसे अगर कोई अच्छा सा फ्लावर रोज़ का प्लांट लगा हुआ है नेबरहुड में तो उसमें से हमें रोजेज़ नहीं निकालना चाहिए, राइट। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द चैप्टर नंबर 9। नाउ टुमारो वी विल गोइंग टू इन आवर नेक्स्ट क्लास वी विल गोइंग टू डू नोटबुक वर्क एज वेल एज द बुक एक्सरसाइजेज। सो बाय देन यू कैन रीड द चैप्टर, यू कैन मार्क एनी डाउट्स इफ यू हैव एंड यू कैन ट्राई सॉल्विंग, यू कैन ट्राई, ठीक है, हेल्प नहीं लेनी है आपको, खुद को ट्राई करना है ये सॉल्व करने की, ओके। चलो गुड डे।